जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे जो सवाल हैं आपको मैंने एएससी जो बेंगलोर है उसके आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए गए हैं और इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपको हमने ऑलरेडी सभी को वीडियो जो है दे दिया है। और दोस्तों, उसमें आपको मैंने दो यहाँ पर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग चर्चा की हुई है कि आपका यहाँ जो है एएससी का एडमिट कार्ड, दोस्तों मैंने जो डेट बताई थी वही आपकी जो है डेट है। आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल जुलाई के अंदर है, यानी आपका जून के एंड के बाद दोस्तों, उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है जून के सेकंड वीक दोस्तों, उससे पहले पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी जो है बहुत पहले जो कि दे चुका हूँ, लेकिन आज जो है दोस्तों आपकी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके अंदर दोस्तों आपका फिजिकल होगा और कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके अंदर दोस्तों आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी कंफ्यूज हैं कि सर जो है, हालांकि डॉक्यूमेंट का जो पूरा लिस्ट जो आपको 5-6 जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं मेन वो डॉक्यूमेंट लेकर आप सभी पहुँच जाएंगे, ये चीज़ जो मकी आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम है और उसके बाद स्किल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट उसके बाद एग्ज़ाम, दोनों क्या प्रोसेस है दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, आपको अपडेट सबसे पहले चैनल पे आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप एक बार देख लो जाकर कि कितने लोग जुड़े हुए हैं और आपको पता होगा अगर हमारे थोड़े बहुत भी टच में होंगे तो कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, कितने टेलीग्राम चैनल हमारे जो कि चलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, जो आपका एएससी का जो एडमिट कार्ड सबके जो है रिलीज हुए हैं क्या। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी तक जो प्रूफ यही है कि सभी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, अगर किसी का किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं पहुँच पाता है, पहली चीज़ तो ये एडमिट कार्ड क्या किन सभी कैंडिडेट को भेज दिए गए या जो बचे हुए जो एडमिट कार्ड है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार और एलडीसी का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आप सभी को जो है पूरी तरह से बता चुका हूं। इसके अलावा जो बच के एडमिट कार्ड है वो कब तक आ जाएंगे दोस्तों, आपके यहाँ पर जैसे छोटी छोटी पोस्टें हैं, अगर मैं तीन चीज़ों को छोड़ दूँ, एक तो आपका लेबर और एक आपका चौकीदार और ड्राइवर, इन तीन पोस्टों को अगर हम छोड़ दें तो आपकी जो मात्र छोटी छोटी जो पोस्टें हैं उनका एग्जाम 5 जुलाई को ही कंडक्ट होने वाला है। ये चीज मैंने हालांकि बताई हुई है तो ये चीज यहां पे होने वाली है। इसके अलावा जो दोस्तों लेबर का जो है उसका अलग से डेट एग्जाम रह सकता है, लेकिन इतना ज्यादा जो है यहाँ पे करीब होगा 5 जुलाई के, या तो दोस्तों आपका जो है लगभग यहाँ पे बिल्कुल करीब मिलेगा आपको, तो इतना समय तो लगेगा नहीं। जैसे यह 5 जुलाई को है तो वो आपका 7 जुलाई या फिर दोस्तों 10 जुलाई, इसके आर बार ही आपका एग्जाम होना है। तो जिनका भी एग्जाम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो 5 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है सभी का, और 5 जुलाई के जो बाद में यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो भी आपका यहाँ पे वही पोस्टें होंगी जिनके यहाँ पे एडमिट कार्ड बचे हुए हैं। उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज हो जाएंगे, तो एडमिट कार्ड दोस्तों धीरे धीरे आपकी जीमेल आईडी जो है उस पर जो है छोड़े जा रहे हैं, और सभी अपनी जीमेल आईडी को रिफ्रेश करके जो है चेक करते रहिएगा, आपका जो है जीमेल पे एडमिट कार्ड जो है सभी के आ रहे हैं। और देखो बाई पोस्ट वगैरह जो है कुछ भी नहीं है ऐसा, बस जीमेल पे ही एडमिट कार्ड आएंगे। और आप सोच रहे हैं कि ऑफलाइन भी एडमिट कार्ड आएगा हम जीमेल पे, तो आपको केवल जीमेल पे ही एडमिट कार्ड दोस्तों मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन किया जा रहा है कि आपका जो है एडमिट कार्ड दिखाई देगा उसमें लिखा जाएगा कि आपका या रिटन होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, तो ये चीज़ तो आपकी कन्फ्यूज दूर हो जाएगी। वहाँ एडमिट कार्ड को देखोगे कि इस पोस्ट, जैसे बार बार पोस्ट है उसका तो क्या हो रहा है दोस्तों, स्किल टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट है एलडीसी उसका रिटन एग्जाम लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि कुछ लोगों का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो कुछ होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट करवा लेंगे और कुछ जो है उनके यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये जो है आपकी सिचुएशन अभी जो है बनी हुई है। एएससी बेंगलोर ने पूरी तरह से दोस्तों रणनीति आपकी
और मैंने कहा था कि भाई एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, और पूरी तरह से वही उम्मीद के साथ इन्होंने जो एडमिट कार्ड जारी किए और उसी उम्मीद के साथ आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एग्ज़ाम का सिलेबस अपनी वेबसाइट पर भी दोस्तों जो कि जारी किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। हालांकि चूंकि मोस्टली जो टॉपिक होते हैं ग्रुप सी की एग्ज़ाम है, पूरी तरह से वही चीज़ें जो आनी हैं, आपने बहुत सारी जो है एग्ज़ाम दी हुई हैं GCPT, वही चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बट आपने देखा होगा कि जो बेंगलोर की जो कट ऑफ जाती है उसके रिगार्डिंग मैंने एक आपको कल एक वीडियो दिया था, वो ज़रूर देख लेना। कट ऑफ उतनी ही जाती है। क्यों जाती है इसके पीछे? क्योंकि पेपर मीडियम लेवल का ही होता है और बच्चे के भाई इतने मार्क्स आते नहीं हैं, हमने देखा है पूरी तरह से। आपकी ASC बेंगलोर जो है कोई कट ऑफ जारी नहीं करता है, बट इस प्रकार की। अब बात करते हैं मेनली जो आपके फिजिकल के रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चे जो कि सर फिजिकल होगा, एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तभी चीज़ें जो है कन्फर्म होती चली जाएगी। लेकिन चांस यही है कि जो आपके यहाँ पे ज़्यादातर जो पोस्ट है उनका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होने वाला है। ड्राइवर का हो सकता है कि दोस्तों आपका सबसे पहले स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए, बट क्योंकि पिछली बार जो था वो आपका शायद रिटन एग्जामिनेशन था, यार शायद तक, हाँ रिटन एग्जामिनेशन फायरमैन का तो ट्रेड टेस्ट था, फायरमैन का ट्रेड टेस्ट था भाई। इसके साथ ही जो ड्राइवर है उसका भी भाई ट्रेड टेस्ट हो सकता है हालांकि, बट आपका इतना जल्दी एडमिट कार्ड आ रहा है इस चीज़ का आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप ट्रेड टेस्ट की ज़्यादा चिंता ना करें क्योंकि ट्रेड टेस्ट में ऐसा इतना कुछ होता नहीं है। ट्रेड टेस्ट में इतने बंदे जो हैं भाई, बहुत ही कम बंदे जो है निकलते हैं, बट जितना समय मिलता है उसमें अपना ट्रेड टेस्ट जो कि दोस्तों उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम की तो आपने सभी ने प्रिपरेशन कर ही ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का आपको पहले ही ऑलरेडी बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला है और इस तक जो है आप जो है अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से कर लें। तो कौन कौन कैंडिडेट हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि सर मेरी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अपना पिन लिख दो, यस या नो, सर यस या नो, तो उससे जो है हमें पता चल पाएगा। और किस भाई ने जो है स्किल टेस्ट यानी जो ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी कर ली है, ट्रेड टेस्ट के रिगार्डिंग बताऊँगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्योंकि पिछली बार मैंने पूरे रिव्यू करवाए थे अपने इस चैनल पर, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी ट्रेड टेस्ट के अंदर, आपको क्या तैयारी करनी है। रिटन एग्ज़ाम पे अभी ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा जितने भी बच्चे हैं, रिटन एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं या फिर जो भी आप प्रीवियसली कोई भी कर रहे हैं, वो टॉपिक आप बस देखकर जो है किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियसली लगा सकते हैं। टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कई जो अलग अलग एग्ज़ाम होती है। सिलेबस ओरिएंटेड आप अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों, ज़रूर जो आप सक्सेस होंगे। बस यही जो है ना आपको जो है बताना था, फिजिकल का जो है आपके देखो दोस्तों, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, पहले फिजिकल और पहले एग्ज़ाम वाले जो है इन पोस्टों के लगभग चांस हैं, हालांकि ज़्यादातर एग्ज़ाम ही होने वाली पोस्टें हैं। बट जैसे अगर हम बात करते हैं MTS चौकीदार का, तो एग्ज़ाम होता है तुरंत, इसका तो भाई स्किल भी कई पिछली बार तो नहीं लिया गया था, तो ऐसा भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और दोस्तों आपको सभी अपडेट चैनल पे मिलती रहेंगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।